दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको एक ही फ़ोन के अंदर तीन WhatsApp कैसे चलाते हैं। जैसे कि आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको तीन WhatsApp नज़र आ रहे हैं। जो पहला WhatsApp है वो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, ओके। और जो दूसरा आपको WhatsApp दिख रहा है, ये अलग कस्टम डाउनलोड किया गया है। इन WhatsApp को आपको चलाने के लिए आपको एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए, ओके। तो ये ISO के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। जैसा कि ये WhatsApp नंबर मांग रहा है, तो मेरे फ़ोन के अंदर दो सिम है, दोनों मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, और तीसरे के लिए मेरे को तीसरा फ़ोन चाहिए, ओके। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही फ़ोन के अंदर जो दो WhatsApp हैं, वो दो नंबर हैं, एक ही नंबर दोनों WhatsApp पर डाल सकते हैं, ओके। इसके अलावा अगर आपको तीसरा WhatsApp डाउनलोड करना है अलग से, व्हाट्सएप प्लस जिसे अपन कहते हैं, आप वो भी कर सकते हो। इन सब व्हाट्सएप का मैं लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। अब मैं बताऊँगा आपको इन व्हाट्सएप का है इस्तेमाल। इसको अपन खोलेंगे, इसका क्या मतलब है। स्टेटस, कॉल्स, चैट, UI पूरा चेंज है। प्राइवेसी के अंदर जगह अपन ऑनलाइन स्टेटस हाइड कर सकते हैं, ब्लू टिक को भी अपन हाइड कर सकते हैं, और सेंड टिक को भी अपन हाइड कर सकते हैं, राइटिंग स्टेटस को भी हाइड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को भी अपन हाइड कर सकते हैं, एंड ब्लू माइक्रोफोन को भी अपन हाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर GB सेटिंग दी गई हुई है। इसको अपन ओपन करेंगे तो इसके अंदर अपन को मिलता है एक और नया फीचर, जिसे कहते हैं थीम। थीम को डाउनलोड करके अपन व्हाट्सएप का UI चेंज कर सकते हैं, आइकॉन, लोगो वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। अब मैं बताऊंगा आपको ये डाउनलोड कैसा करना है। मेरे दिए हुए लिंक को जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो आपके सामने ये फाइल आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है। इस पर डाउनलोड पे क्लिक करें, ये डाउनलोड मांगेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है, ओके। सेकेंड लिंक को आप जब क्लिक करोगे तब ये खुलेगा, व्हाट्सएप 3, पहला जो प्ले स्टोर से, दूसरा मैंने जो अभी लिंक पर बताया, और तीसरा ये है। ये भी डाउनलोड करोगे तो सीधा डाउनलोड हो जाएगा। और रहा चौथा, इसे कहते हैं व्हाट्सएप प्लस। ये हर किसी डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता। जैसे मेरा ये सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime है, इसके अंदर ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर किसी मोबाइल के अंदर सपोर्ट करता है तो वो डाउनलोड करके सपोर्ट करवा सकता है, ओके। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।